रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। रतलाम जावरा की चौपाटी चौराहे पर करणी सैनिकों ने जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में किया गया है। 8 जनवरी से करणी सेना के जीवन सिंह अपने साथियों के साथ भोपाल के जंबूरी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में करणी सैनिक 8 तारीख को भोपाल के जंबूरी मैदान में पहुंचे थे, जिसके बाद सरकार से जो उन्होंने 21 सूत्री मांगी थी उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है सरकार की तरफ से और कोई जवाब नहीं मिला है। 8 तारीख से ही जीवन सिंह शेरपुर अपने करणी सैनिकों के साथ भोपाल के जंबूरी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसी के समर्थन में आज जावरा के फोर लेन स्थित चौपाटी एरिया में करणी सैनिक जमीन पर बैठ गए। करणी सैनिकों ने इस बीच जमकर नारेबाजी की। बोले मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह, जिसके बाद आक्रोशित करणी सैनिकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक नारे लगाए। साथ ही क्षेत्र के विधायक राजेंद्र पांडेय के लिए भी नारे लगे और वही करणी सैनिकों ने नारों में एक नारा यह भी लगाया, बोले कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। रतलाम में बड़ी संख्या में करणी सैनिक रोड पर उतरे। सैलाना बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में सैलाना बस स्टैंड पर पुतला नहीं जलाया। वहीं थोड़ी दूरी पर लोकन टॉकीज रोड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ SDOP और SDM मौजूद रहे। वहीं करणी सैनिकों ने तेज आवाज में नारे लगाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। टीम भारतीय न्यूज देखिए 22 सूत्री मांगे हैं जो कि सर्वविदित है। भोपाल में हमारा आंदोलन अभी भी प्रयासरत है, जारी है। हमारे जो वरिष्ठ जीवन सिंह जी शेरपुर साहब हैं वो अभी भी अनशन पर विराजे हुए हैं। उनके साथ में हमारे समाज के कुछ और वरिष्ठ जन, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बिना खाए पिए सड़क पर बैठी हुई हैं। मध्य प्रदेश शासन को इस वक्त सोचना चाहिए कि क्षत्रिय समाज भी मध्य प्रदेश का एक अंग है, पूरे भारत का एक अंग है और 565 रियासतें देने के बाद आज हम कुछ मांग रहे हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, हर गांव गांव हमारा है। हम इतना बड़ा आंदोलन आपने देखा भोपाल में हुआ, कहीं किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं। माननीय सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हमारी अवहेलना कब तक समाज सरकार करेगी, कब तक हमारी अवहेलना करेगी सरकार? क्या हम इस समाज का हिस्सा नहीं है? हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अरे जीवन सिंह शेरपुर रतलाम जिले के रहने वाले हैं। अभी आज देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह अलग अलग गांवों में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या और कहां कहां किया जाएगा? जीवन सिंह की लोकप्रियता के बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सर्व समाज के लोग, सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग जीवन सिंह जी को दिल से चाहते हैं। तो अगर हमारे भाई के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी आएगी तो आपको ये आंदोलन आगे भी देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज 7 तारीख से लेकर आज 10 तारीख 3 दिन से हमारे भाई ने एक दाना नहीं खाया अन्न का। मध्य प्रदेश शासन की क्या जवाबदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है? आज लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज भोपाल में एकत्रित हुआ, इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, सरकार की क्या जवाबदारी बनती है? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई है, कुछ मांगों को मान लिया जाएगा और कुछ नहीं मांगी जाएगी, तो आगे आपका क्या उग्र प्रदर्शन? देखिए इस बारे में मेरा कहना अभी उचित नहीं रहेगा। जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बारे में जो भी निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम आगे जो भी करना होगा करेंगे। अभी आप जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऊपर से ही भोपाल से जीवन शक्ति के द्वारा निर्देश? जी नहीं, ये हमारा उनके प्रति आदर है, ये हमारा समर्पण है, ये हमारा सम्मान है उनके प्रति। अगर हमारे भाई पे कोई भी आ जाएगी एक करणी सैनिक मैदान में उतरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह पंवार है और मैं करणी सैनिक। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।